सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं रियलमी के न्यू सीरीज़ के बारे में, जो रियलमी 7 सीरीज़ का सक्सेसर होने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रियलमी 8 प्रो के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि रेडमी और रियलमी दोनों का कंपटीशन काफ़ी तगड़ा है। जैसे कि रेडमी अगर कोई फ़ोन लॉन्च करता है तो रियलमी उसी को कम्प्लीट करने के लिए अपना एक न्यू सीरीज का स्मार्टफोन लॉन्च कर देती है। बताया जा रहा है कि रेडमी अपना न्यू सीरीज मी 10i को जनवरी 2021 को लॉन्च करेगी। तो अब इसी को कम्प्लीट करने के लिए रियलमी अपना न्यू सीरीज रियलमी 8 सीरीज को इंडिया में लाने वाला है, जो कन्फर्म हो चुका है कि यह जनवरी 2021 को इंडिया में देखने को मिल जाएगा। बताया जा रहा है कि रियलमी 8 सीरीज आपको दो नए स्मार्टफोन के साथ देखने को मिलेंगे, रियलमी 8 और रियलमी 8 प्रो। इन दोनों स्मार्टफोन के लीक्स और रूमर्स आना बहुत पहले से स्टार्ट हो गए थे, बट अब मुकुल शर्मा और माधव सेठ दोनों के ट्विटर अकाउंट ने ये कन्फर्म कर दिया है कि रियलमी 8 सीरीज जनवरी के मंथ में लॉन्च होने वाली है। वैसे तो फ्रेंड्स, रियलमी की तरफ से अगले मंथ जनवरी में रियलमी X7 सीरीज और रियलमी नार्जो 30 सीरीज भी देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, रियलमी 8 सीरीज का वेट सभी कस्टमर्स काफ़ी बेसब्री से कर रहे हैं, क्योंकि रियलमी 7 सीरीज को मार्केट में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। इस वीडियो में हम इसी रियलमी 8 प्रो के बारे में बात करेंगे और इस स्मार्टफोन के ऑलमोस्ट सारे स्पेसिफिकेशंस भी कन्फर्म हो चुके हैं, जो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस तरह के रिलेटेड अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, रियलमी 8 प्रो का वेट सारे कस्टमर्स कर रहे हैं, जो कि रियलमी 7 प्रो का सक्सेसर होने वाला है। बताया जा रहा है फ्रेंड्स कि रियलमी 7 प्रो से रियलमी 8 प्रो में काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड देखने को मिलेगा, और सबसे बड़ा अपग्रेड ये होगा कि रियलमी 8 सीरीज 5G कनेक्टिविटी के साथ आने वाला है, जो आपको अंडर 20,000 के प्राइस रेंज में ही देखने को मिलेगा, जो एक बेस्ट 5G डिवाइस होगा। रियलमी अपने सभी कस्टमर्स के लिए ये डिवाइस काफ़ी कम बजट में प्रोवाइड करा रही है। अगर हम इसके बाकी सारे स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं तो रियलमी 8 प्रो में आपको 6.67 इंचेज की सिंगल पंच होल वाली डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, जो रियलमी 7 प्रो में देखने को मिला था। वही एमोलेड डिस्प्ले के साथ आएगा फ्रेंड्स, और 120 हर्ट्ज का रेफ्रेश रेट भी देखने को मिलेगा। देखा जाए तो फ्रेंड्स, डिस्प्ले में ज़्यादा कुछ अपग्रेड देखने को नहीं मिल रहा है। डिस्प्ले में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलेगा। बैक साइड की बात करें तो रियलमी 8 प्रो के बैक साइड में आपको पॉलीकार्बोनेट का बॉडी देखने को मिलने वाली है, जो कि एक प्लास्टिक बॉडी होगी, जो शाइनिंग के डिजाइन के साथ आएगा। कैमरे की बात करें तो आपको बता दें फ्रेंड्स, रियलमी 8 सीरीज Xiaomi के मी 10i को कंप्लीट करने वाली है। Xiaomi के अभी रिसेंटली रेडमी नोट 9 5G को 108 मेगापिक्सल के साथ इंडिया में लॉन्च किया था, तो ये 100% कन्फर्म है फ्रेंड्स कि मी 10i को भी Xiaomi 108 मेगापिक्सल कैमरे के साथ ही जनवरी में लॉन्च करने वाली है। तो रियलमी को इस मी 10i को कम्प्लीट करने के लिए अपने रियलमी 8 सीरीज में 108 मेगापिक्सल कैमरे के साथ इंडिया में लॉन्च करना पड़ेगा। हालांकि रियलमी 8 में आपको मिनिमम 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल सकता है, बट रियलमी 8 प्रो में आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा ही देखने को मिलेगा। बाकी के कैमरे रियलमी 7 प्रो के सेम ही देखने को मिलने वाले हैं। सेल्फी की बात करें तो रियलमी 7 प्रो के सेम सेल्फी कैमरा ही देखने को मिलेगा। देखा जाए तो फ्रेंड्स, फ्रंट में डिस्प्ले हो या सेल्फी कैमरा, इनमें आपको ज़्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं रियलमी 8 प्रो के परफॉर्मेंस के बारे में। जो बताया जा रहा है फ्रेंड्स कि रियलमी 8 प्रो रियलमी 7 प्रो के परफॉर्मेंस से काफ़ी बेटर होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रोसेसर को लेकर ये कन्फर्म है कि रियलमी 8 प्रो में आपको स्नैपड्रैगन 750G का बेस्ट चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि एक 5G चिपसेट होगा। देखा जाए तो रियलमी 7 प्रो आपको स्नैपड्रैगन 720G के चिपसेट के साथ देखने को मिला था, जो ओवरऑल काफ़ी बेटर रहा। तो अब इस रियलमी 8 प्रो में आपको स्नैपड्रैगन 750G का बेस्ट और एक पावरफुल चिपसेट देखने को मिलने वाला है। और बताया जा रहा है फ्रेंड्स कि Xiaomi का मी 10i भी हमें इसी चिपसेट के साथ देखने को मिलेगा। स्नैपड्रैगन 750G एक 5G चिपसेट है और ये काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस हमें प्रोवाइड कराएगा। बहुत लोगों को ये भी कन्फ्यूजन था फ्रेंड्स कि इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी वाला कोई चिपसेट देखने को मिलेगा। तो आपको बता दें कि मीडियाटेक डायमेंसिटी आपको रियलमी के अदर सीरीज रियलमी X सीरीज में देखने को मिल सकता है, जो कि मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000 का चिपसेट देखने को मिलेगा। रैम वेरियंट की बात करें तो रियलमी 8 प्रो में आपको दो वेरियंट देखने को मिलेगा, 6GB रैम और 8GB रैम प्लस 128GB का स्टोरेज के साथ आएगा। अगर हम इसके बैटरी कैपेसिटी की बात करते हैं तो बैटरी भी आपको कुछ ज़्यादा ही अपग्रेड देखने को नहीं मिलने वाली है। जैसा कि आपको रियलमी 7 सीरीज में 5000mAh की बैटरी देखने को मिली थी, वही आपको रियलमी 8 प्रो में भी देखने को मिलेगा। साथ में 65W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, जैसा आपको रियलमी 7 प्रो में देखने को मिला था। बट रियलमी 7 प्रो में आपको 4500mAh की बैटरी देखने को
मिली थी फ्रेंड्स, तो हो ना हो रियलमी 8 प्रो इससे बढ़कर 5000 mAh तक की बैटरी आपको दे सकती है। इससे ज़्यादा रियलमी अपने बजट सेगमेंट डिवाइस में नहीं दे पाएगी। बजट सेगमेंट के हिसाब से 5000 mAh की बैटरी के साथ 65 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट काफ़ी होगा। लॉन्च डेट और प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये कन्फर्म हो चुका है कि यह रियलमी 8 सीरीज आपको जनवरी 2021 के फर्स्ट वीक से सेकेंड वीक के लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगी। और जैसा कि ये बजट 5G डिवाइस होगा फ्रेंड्स, तो इसकी प्राइस 18 से 20,000 के बीच ही होने वाली है। तो फ्रेंड्स, क्या आप लोग एक्साइटेड है इस Realme 8 सीरीज को लेकर? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दें, और इसी तरह के रिलेटेड अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।